बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्लास नहम इस्लामियात रुकू नंबर 5, जिसका तर्जुमा हम पहले पढ़ चुके थे, आज उसी रुकू के सवाल जवाब हम पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 16 के ऊपर आते हैं। इस रुकू के ऊपर ये जो अल्फाज माने लिखे हैं ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, और इस रुकू का सवाल नंबर 1 इस सबक में माले गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। इसका जवाब यह बनता है कि माले गनीमत की तकसीम का हुक्म सूरत अनफाल की आयात में माले गनीमत की तकसीम के बारे में जो हुक्म दिया गया है उसकी तफसीर ये है कि वो माल गनीमत जो कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को हासिल होगा उसके कुल 5 हिस्से किए जाएंगे, जिनमें से 4 हिस्से मुजाहदीन के होंगे और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, करीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, मस्किनों का और मुसाफिरों का होगा। यानी उस माल गनीमत में से जो 5वां जो 5 हिस्से होंगे उनमें से 4 हिस्से मुजाहदीन के होंगे और बाकी 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और बाकी लोगों का होगा। आगे सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम व एहसान का ज़िक्र फरमाया है। इसको जवाब ये बनता है कि जब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों का मुकाबला कुफार के साथ हुआ अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बहुत सारे इनामात व एहसानात फरमाई, जिनमें से कुछ इस जवाब के अंदर जिनका तज़करा हो जाएगा। ग़ज़वा बदर के अंदर जो अल्लाह के इनामात थे वो दर्द ज़ैल हैं। नंबर 1, जब दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला हुआ अल्लाह ताला ने तुम्हें फतह से हमकनार किया। दूसरा इनाम, कुफार की नज़र में तुम्हें थोड़ा करके दिखाया ताकि वो भाग जाएं और मुसलमानों का हौसला मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाए। तीसरा इनाम फरमाया कि तुम्हारी नज़र में कुफार को थोड़ा करके दिखाया ताकि तुम हिम्मत ना हार जाओ बल्कि तुम्हें मज़ीद हौसला मिल सके। चौथा इनाम, तुम पर गनूदगी डालकर तुम्हें तस्कीन पहुँचे। यानी जब मुसलमान थक चुके थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर यह एहसान किया कि उनको नींद अता फरमाई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर सुकून तारीफ़ फरमा दिया। सवाल नंबर 3, वक़ातिल इबारत का मफहूम बयान करें। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। तर्जुमा, और इन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन सब खुदा का हो जाए। अब यहाँ पर मुसलमानों को जो हुक्म दिया जा रहा है वो है जिहाद, यानी आप काफरों से पीछे ना हटें बल्कि काफरों के साथ मिलकर मुकाबला, लड़ाई और जिहाद करते रहें। और कब तक लड़ाई करनी है? जब तक पूरी दुनिया में दीन जो है सारा आम ना हो जाए, हर तरफ से कुफर ख़त्म हो जाए और सब तरफ अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए, तब तक अल्लाह ने फरमाया आप काफरों से लड़ाई करते रहो। आज हमारा रुकू नंबर 5 मुकम्मल हो गया, जिसका तर्जमा और सवाल जवाब भी आपके पास मुकम्मल आ चुके हैं।